प्रदेश की वित्तीय स्थिति बेहद खराब है। सरकार के पास कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन देने के लिए पैसे नहीं हैं। कर्मचारियों के वेतन में भी कटौती की जा रही है, लेकिन हैरानी की बात है कि सरकार वार्डों निगमों में चहेतों की ताजपोशी कर रही है। ये मात्र अपनी कुर्सी बचाने की कवायद है, लेकिन प्रदेश के साथ अन्याय है। कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने कहा कि सरकार किसी भी मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही है। बागवानों को तुरंत मजदूर, वाहन, कार्टन आदि आवश्यक चीजों की आवश्यकता है, लेकिन युद्ध स्तर पर ध्यान न देकर सरकार मात्र रस्म अदायगी कर रही है। किसानों को तूफान से भारी नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही। प्रदेश भयंकर वित्तीय संकट से गुजर रहा है। हालात इतने ख़राब हैं कि कर्मचारियों की तनख्वाहें देने के लिए और कर्मचारियों के पेंशन देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। विकास कार्य पूर्ण रूप से ठप पड़े हैं, लेकिन दूसरी ओर सरकार जो है वो वार्डों निगमों में राजनीतिक नियुक्तियां कर कर फिजूल खर्ची कर रही है। आज ज़रूरत इस बात की है कि वित्तीय संकट को देखते हुए सरकार अपने खर्चों पे कमी करे और वित्तीय संकट से निपटने की तरीके खोजे और उसकी तरफ ध्यान दे। लेकिन बहुत अफसोसजनक बात है कि सरकार अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए वार्डों निगमों में नियुक्तियां कर रही है और इस तरफ उनका ध्यान नहीं है। ये सरासर प्रदेश के साथ अन्याय है और इस सरकार की सोच को दर्शाता है कि इस सरकार को लोगों की समस्याओं से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सरकार गंभीर नहीं है हिमाचल प्रदेश के हितों के बारे में। अगर यही स्थिति रही तो कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन खड़ा कर कर भारतीय जनता पार्टी के इन जन विरोधी फैसलों के विरुद्ध आवाज़ उठाएगी और संघर्ष करेगी। दूसरी ओर सरकार फिजूल खर्च करते हुए राजनीतिक नियुक्तियां कर रही है। दीपक शर्मा ने कहा कि विकास कार्य ठप पड़े हैं, बेरोजगारी का आंकड़ा बेतहाशा बढ़ गया है। सरकार इस ओर ध्यान न देकर अपनी कुर्सी बचाने के इंतजाम कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में व्याप्त जन समस्याओं एवं बढ़ती महंगाई आदि अहम विषयों पर अगर भाजपा सरकार का यही रवैया रहा तो जन आंदोलन खड़ा कर विरोध किया जाएगा। पीएलटीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।